हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे कि गर्मी का मौसम आते ही अगर मैं 0 से 6 मंथ के बच्चे की बात करूँ तो क्या बच्चे को पानी देना चाहिए, अगर पानी देना है तो बच्चे को कब से शुरू करना है, कितना पानी देना है, पानी की अधिक मात्रा से बच्चे को क्या समस्या हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए संपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। उम्मीद करूंगी आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बच्चों को पानी कब से देना चाहिए? देखिए दोस्तों, जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं हम लोगों की जो पानी की रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसी के चलते जो हम लोग सोचते हैं कि गर्मी में बच्चे को भी पानी दे देना चाहिए, जो नवजात शिशु हुआ है 0 से 6 मंथ का है उसको भी पानी की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि नॉलेज की कमी के कारण हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। नवजात शिशु जो होता है, 0 से 6 मंथ का जो बच्चा होता है उसके जो पेट की क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है। तो बच्चा शुरू में जब पैदा होता है 5 से 7 ml तक ही दूध पी सकता है। 10 दिन होते होते वो 50 ml तक आ जाता है, 80 ml तक कुछ बच्चे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे उनके धीरे 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 उनकी पेट की क्षमता इंक्रीज होती है और अगर आप बच्चे को पानी पिलाना शुरू कर देंगे दोस्तों तो इससे बच्चे को डायरिया और कुपोषण का खतरा हो सकता है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है वो आपने पानी पिला दिया बच्चे को, बच्चे का छोटा सा पेट है वो भर गया, तो इससे क्या हुआ कि बच्चे का पेट भर गया, पानी से बच्चे को कोई ऐसे पोषक तत्व तो नहीं मिल पा रहे हैं, तो बच्चे के शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। पानी की अधिकता होने के कारण बच्चे को डायरिया हो जाता है और बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाता है। दोस्तों, 0 से 6 मंथ का बच्चा केवल मदर फीड पर डिपेंड होता है, तो क्या होता है कि 80% तक पानी होता है माँ के दूध में। तो बच्चे के पानी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारी माँ के दूध से पूरी हो जाती है। अलग से बच्चे को बिल्कुल भी पानी पिलाने की जरूरत नहीं है। कभी कभार अगर आपको 1 या 2 चम्मच बच्चे को पानी पिलाना पड़ रहा है तो इसमें इश्यू नहीं है कोई भी, लेकिन दोस्तों शुरू से अगर बच्चे को आप पानी पिलाते हैं तो इससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात आती है कि बच्चे को पानी पिलाना कब से शुरू किया जाए। देखिए, 6 महीने के बाद से, जब आपका बच्चा 7वें महीने में लग जाता है, डॉक्टर्स के भी अनुसार उस समय बच्चे की जो पेट की क्षमता है, बच्चे का जो दूध पीने का तरीका है या दूध पीने की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। धीरे धीरे बच्चे का आप अनपराशर करते हैं तो बच्चे को आप धीरे धीरे ठोस आहार की तरफ लेकर जाते हैं, आपका बच्चा ठोस आहार खाने लगता है। तो ठोस आहार खाने के कारण बच्चा माँ का दूध थोड़ा थोड़ा कम करता चला जाता है, तो तब बच्चे के शरीर में पानी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है। तो 7 से 1 साल तक के बच्चे को आप 100 से 200 ml तक पानी बहुत ही आराम से पिला सकते हैं। तब बच्चे के लिए पानी जरूरी होता है, तब आप बच्चे को पानी दीजिए। कैसा पानी बच्चे को पिलाना है? देखिए, जब भी आप बच्चे को पानी पिलाएं तो कोशिश कीजिए कि बच्चे को सादा पानी ही दे। सर्दी का मौसम है तो हल्का सा गुनगुना पानी बच्चे को दे सकते हैं, गर्मी का मौसम है तो बच्चे को सादा पानी दे, उसमें कोई भी चीनी वगैरह या एडेड शुगर आपको ऐड नहीं करनी है। क्योंकि इससे क्या होगा दोस्तों, बच्चे के शरीर में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, बच्चे को कैविटी हो जाती है, नए नए दांत आ रहे होते हैं, मसूड़े खराब हो जाते हैं बच्चे के, तो शुगर आपको इंक्रीज नहीं करनी है। केवल आपको बच्चे को सादा पानी ही पिलाना है। अब बात करें कि 1 साल से बड़े बच्चे के लिए, देखिए 1 साल से बड़ा बच्चा बेसिकली बहुत अधिक ठोस आहार लेने लगता है। आप फ्रूट्स देते हैं बच्चे को, दाल देते हैं, चावल देते हैं, थोड़ी सी रोटी देते हैं, तो बच्चा इस सारे खाने को खाने लगता है। तो धीरे धीरे बच्चे का दूध और कम हो जाता है, बच्चा दिन में 3 से 4 बार ही दूध पीता है। तो ऐसे में आप बच्चे को पानी उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पीने दें। 1 साल से बड़े बच्चे को पानी की बहुत जरूरत होती है तो इससे उसको बहुत अधिक परेशानी नहीं होती है। लेकिन याद रखें, केवल पानी ही बच्चा ना पिए, ठोस आहार भी अच्छे से ले। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि क्या फॉर्मूला मिल्क पानी में बना सकते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर्मूला मिल्क केवल पानी में ही बनाया जाता है। इसीलिए जब आप 0 से 6 मंथ के बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देते हैं तो फॉर्मूला मिल्क से बच्चे के शरीर में पानी की आपूर्ति हो जाती है। और गर्मी के मौसम में अगर आपको बच्चे को पानी देना ही पड़ रहा है तो 1 से 2 चम्मच पानी आप बच्चे को दे सकते हैं, इससे भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी।
उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद रहे, इन्फॉर्मेशनल रहे और जिन भी पेरेंट्स को इस चीज के बारे में जानकारी नहीं थी उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू, नमस्कार।